इम्फाले कलिसिया नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आशा की किरणें। इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हमारे सारे दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में प्रेम भरा सलाम। हमें बड़ी खुशी होती है कि आशा की किरणें नामक इस कार्यक्रम के द्वारा हम जम्मू, हिमाचल, पंजाब, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे अनेक राज्यों में सैकड़ों लोगों से जुड़ पाते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं। हमारी यही ख्वाहिश है कि इस प्रोग्राम में जो वचन सिखाया जाता है, जो गीत प्रस्तुत किए जाते हैं और जो गवाहियां सुनाई जाती हैं, उसके द्वारा प्रभु यीशु को महिमा मिले और देखने वाले लोगों के जीवन पर प्रभु की आशीष उंडेली जाए। हमारे दर्शक आत्मिक उन्नति करें, प्रभु यीशु के और करीब आए और परमेश्वर के राज्य की स्थापना और विस्तार के लिए प्रयत्नशील हो गए। ये इस प्रोग्राम का लक्ष्य है। आइए आज के इस प्रोग्राम के द्वारा हम आशीषों को पाएं। परमेश्वर के वचन की तरफ बढ़ेंगे। आज हम मरकुस रचे सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय की पहली 12 आयतों पर अपने ध्यान को केंद्रित रखेंगे और देखेंगे कि कैसे एक चमत्कार प्रकट होता है। द मेकिंग ऑफ अ मिरेकल, कैसे एक चमत्कार प्रकट होता है या कहां परमेश्वर अपने चमत्कारों को प्रकट करता है। इस बात को समझने के लिए आइए हम मार्क चैप्टर 2 वर्सेस 1-12, एक कहानी है, यीशु मसीह के जीवन की घटना है, इसको हम पढ़ेंगे। अपनी अपनी बाइबल में फॉलो करें। लिखा है कि कई दिन के बाद यीशु कफरनहूम नाम के शहर में एक घर में गया। दूसरी आयत में लिखा है वहां इतने लोग इकट्ठे हो गए कि घर के अंदर कोई जगह नहीं बची और यीशु मसीह उनको शिक्षा देते रहे। तीसरी आयत में लिखा है तब लोग एक लकवे के रोगी को उठाकर लाए। चार मनुष्य एक लकवे के रोगी को उठाकर लाए। चौथी आयत में लिखा है कि जब वो उस घर पर आए तो देखा कि इतनी भीड़ है, दरवाजे पर भी कहीं खड़े होने की जगह नहीं थी। तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने उस छत को जिसके नीचे यीशु मसीह खड़े थे, उस छत को उधेड़ दिया और उस खाट को जिस पे वो लकवे का रोगी पड़ा हुआ था, उस खाट को वैसा का वैसा छत पर से नीचे उतार दिया। आजकल जैसी हमारी छत होती है कंक्रीट की, उस तरह की छत नहीं थी, खपरेल टाइल्स की छत थी। तो उसको उन्होंने खोल दिया, उधेड़ दिया और उन्होंने उस बीमार को वैसे के वैसे नीचे उतार दिया। पांचवीं आयत में लिखा है यीशु ने उनके विश्वास को देखा और लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब वहां पर कई धर्मगुरु बैठे हुए थे, उनको यह अच्छा नहीं लगा कि यीशु मसीह ने कैसे बोल दिया तेरे पाप क्षमा हुए, और वो अपने मनों में सोचने लगे कि यह मनुष्य क्यों कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। सातवीं आयत में लिखा है जब उन्होंने इस तरह से कहा, यीशु मसीह ने तुरंत आत्मा में भाप लिया कि वो क्या मन में सोच रहे हैं। और आठवीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? आसान क्या है, क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। दसवीं आयत, यीशु ने कहा, परंतु जिससे कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। मनुष्य के पुत्र को, यानी यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह का ही एक दूसरा नाम है मनुष्य का पुत्र, जैसे परमेश्वर का पुत्र भी यीशु का ही नाम है। तो यीशु मसीह ने वहां पर कहा ताकि तुम जान लो मनुष्य के पुत्र के पास पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसके बाद उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और हम 12वीं आयत में देखते हैं लिखा है वह उठा
और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई कर कर कहने लगे, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो ये था परमेश्वर का वचन। पूरी आयतें मैंने पढ़ी नहीं, केवल अपने शब्दों में वहां पर लिखी बात को बताई है। प्यारे मित्रों, यीशु मसीह के जीवन की एक अद्भुत घटना है ये। पर हां, इस आश्चर्य कर्म से हमें काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आइए हम इन 12 आयतों में से कुछ बातों को हम सीखें। कहां से शुरू करें? यीशु मसीह ने जब उस रोगी को देखा तो सबसे पहले क्या कहा? आइए उस बात पे थोड़ा सा हम अपने ध्यान को टिकाएं। यीशु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। अब भला उस बीमार व्यक्ति से तेरे पाप क्षमा हुए ऐसा कहने की क्या जरूरत है? वो तो बीमार है और उसकी सबसे बड़ी जरूरत है कि वो तंदुरुस्त हो जाए। हमारी नजर में हमें लगता है वो बीमार आदमी पस्त पड़ा हुआ है, लाचार है, उससे ये पाप वाप के बारे में बात करने की क्या जरूरत है, उसको तो वहां ठीक करने की जरूरत है। परंतु यीशु मसीह ने जो किया वो जानबूझकर किया। उसके दो मकसद थे। यीशु मसीह ने जब ऐसा किया तो उसके पीछे दो मकसद थे। पहली बात ये, यीशु मसीह ये प्रकट करना चाहते थे कि उस लाचार इंसान के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी उसके शरीर की चंगाई नहीं थी, उसकी जिस्मानी तंदुरुस्ती नहीं थी, उससे भी कुछ जरूरी उसके जीवन में था। क्या? पापों की क्षमा। कई बार हम बातों को इस तरह से नहीं देखते हैं, पर परमेश्वर के देखने में और हमारे देखने में बहुत अंतर है। हमें लगेगा बस हमारी रोटी का इंतजाम हो जाए, वही सबसे ज्यादा जरूरी है, अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी तनख्वाह मिल जाए, वही मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। तो किसी और को लगेगा कि उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए, एक बीए की डिग्री मिल जाए, एमबीए पूरा हो जाए, एमबीबीएस मिल जाए, यही है मेरी सबसे बड़ी जरूरत। किसी को लगेगा मेरा घर बन जाए, या किसी बीमार व्यक्ति को लगेगा मैं ठीक हो जाऊं, मैं तंदुरुस्त हो जाऊं, यही मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। नहीं प्यारे मित्रों, हमारी सबसे बड़ी जरूरत है परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता पुनः स्थापित होना चाहिए। आप और मैं, हम जानते हैं कि पाप की वजह से ये रिश्ता टूट जाता है, पाप की वजह से ये रिश्ता टूट गया। पाप के कारण हम मनुष्य परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर और हमारे बीच में एक खाई आई है। पाप हरदम यही काम करता है, मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है, रिश्ता टूट जाता है। अगर आपके पिता के साथ आपका रिश्ता ही नहीं है, आपने पिता को त्याग दिया, घर को त्याग दिया, तो फिर पिता की संपत्ति में हक मांगने का अधिकार कहां से आ गया? जिस पिता को आपने त्याग दिया, जिस पिता से आप दूर हो गए, उस पिता की आशीषों में आपका हक कैसे बन सकता है? सबसे ज्यादा जरूरी है टूटा रिश्ता जुड़ जाए, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाए। और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के लिए जरूरी है पापों की क्षमा, द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, पापों की क्षमा। इसी मरकुस के सुसमाचार में 8वें अध्याय की 36वीं आयत में लिखा है, यदि कोई मनुष्य सारे जगत को हासिल कर ले पर अपनी आत्मा को ना बचा पाए, अपने प्राण को अधोलोक में से ना बचा पाए, पाप के दंड में से ना बचा पाए, अनंत मृत्यु दंड में से ना बचा पाए, तो क्या लाभ होगा? जब मैं उस आयत को पढ़ता हूं तो मुझे सिकंदर महान की याद आती है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। मात्र 27 की उम्र में कहते हैं सारी दुनिया जीत ली और 33 की उम्र में मृत्यु भी हो गई। सारी दुनिया जीत ली पर अपने आप को कुछ बुरी आदतों से नहीं बचा पाया, अपनी बुरी आदतों के ऊपर, नशे की आदत के ऊपर वो जय नहीं पा सका। सारी दुनिया जीत ली पर अगर अपने आप को कोई ना बचा पाए तो क्या लाभ होगा? सबसे ज्यादा जरूरी है एक इंसान के लिए पापों की क्षमा के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाए। मुझे देखने वाले प्यारे मित्रों, यदि कोई ऐसा शख्स, कोई भाई, कोई बहन,
कोई बुजुर्ग, कोई समझदार बच्चा आज इस संदेश को सुन रहा है या सुन रही है, जिसने अब तक उद्धार नहीं पाया, जिसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार नहीं पाया, तो आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात कर रहा है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उद्धार। यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए, जो आपके लिए क्रूस पर मारे गए। यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। उस पाप क्षमा को प्राप्त करें और परमेश्वर की आशीषों में लौट आएं। दूसरी बात जो यीशु मसीह प्रकट करना चाहते थे वो ये कि वो साबित करना चाहते थे कि वो एकमात्र इंसान नहीं थे। वहां पर बैठे धर्म गुरुओं ने कहा, इस मनुष्य ने, क्योंकि अब तक वो यीशु मसीह को अपने जैसे एक साधारण मनुष्य के रूप में देख रहे हैं, यूसुफ और मरियम के पुत्र यीशु के रूप में देख रहे हैं, पर आज उनकी आंखों के ऊपर से यीशु मसीह पर्दा हटाना चाहते हैं। यीशु मसीह आज ये प्रकट करना चाहते हैं कि जिससे तुम बात कर रहे हो, जिसकी शिक्षाओं को तुम सुन रहे हो, वो तुम्हारे जैसा मात्र एक इंसान नहीं है। यीशु मसीह अपने व्यक्तित्व के स्वरूप को वहां पर उजागर करना चाहते थे। उन्होंने कहा, यह कैसी बात कर रहा है यह मनुष्य, पाप क्षमा तो केवल परमेश्वर कर सकता है। ये उन्होंने बिल्कुल सही बात कही, पाप क्षमा केवल परमेश्वर ही कर सकता है, क्योंकि पाप का मतलब ही परमेश्वर के विरुद्ध किया गया अपराध है। परमेश्वर के दिल को तोड़ना, परमेश्वर के नैतिक मापदंड को तोड़ना, परमेश्वर के स्तर से नीचे गिरना, यही तो है पाप। पाप परमेश्वर के विरुद्ध होता है, इसलिए पाप को क्षमा करने का अधिकार भी केवल परमेश्वर का ही है। जब तक परमेश्वर हमारे पाप को माफ ना करे, तब तक हमें पापों की माफी मिल नहीं सकती और ना पापों की माफी का आश्वासन मिल सकता है। चाहे जितने मर्जी पुण्य कर्म कर लें, हमारे पापों का आश्वासन हमें नहीं मिल सकता जब तक कि पवित्र आत्मा परमात्मा, वो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में पाप क्षमा का आश्वासन ना दे। यीशु मसीह वहां यह साबित करना चाहते थे कि वो स्वयं परमेश्वर है जो मनुष्य रूप में धरती पर आए हुए हैं। उसके बाद यीशु मसीह ने उस आदमी से कहा, उठ, अपने बिस्तर को उठा और घर चला जा। और वो लकवे का रोगी जो चार लोगों के कंधों पर एक बिस्तर पर एक खाट पर लाया गया था, अपनी खाट उठाकर चलने लग गया। तुरंत यीशु मसीह के कहने पर उसकी हड्डियों में, उसकी मांसपेशियों में जान आ गई, वो तंदुरुस्त हो गया और तुरंत उठकर अपने घर को चला गया और लोग चौंक गए। आज भी प्रभु यीशु के नाम में ऐसी ही सामर्थ है। प्रभु यीशु नाम में कुछ भी असंभव नहीं है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रभु अपनी महिमा के लिए किसी भी असंभव कार्य को संभव में बदल सकते हैं। प्रभु आज भी चमत्कार कर सकता है आपके लिए और मेरे लिए। प्रभु ऐसा चमत्कार कर सकता है जैसा मैंने शुरुआत में कहा था। हमारा लक्ष्य है कि हम जाने कि कब ये चमत्कार प्रकट होगा, कैसे चमत्कार प्रकट होगा। हमने ये तो देख लिया है, यीशु मसीह ने उस आदमी पर तरस खाया, यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी, यीशु ने वो चमत्कार किया। तो चमत्कार का दाता तो केवल परमेश्वर है। अगर हम चमत्कार को देखना चाहते हैं, मिराकल को देखना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। परमेश्वर की दया हम पर जब हो, परमेश्वर जब हम पर तरस खाए, तब भौतिक जगत के नियमों को तोड़कर वो अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए हमारे लिए चमत्कार कर सकता है। पर इस अध्याय को छोड़ने से पहले चंद एक बातें और हम देख सकते हैं। हमने देखा, अभी पढ़ा, चार लोग उस व्यक्ति को, उस बीमार को यीशु के पास लेकर के आए थे। अब उन चार लोगों से जरा मिलिए, हो सकता है कि उन चारों से हमें कुछ सीखने को मिले। आइए इन चार लोगों पर ध्यान दें और इन चारों व्यक्तियों से एक एक बात सीखें। कैसे उस दिन उस चमत्कार के लिए वो कारण बने, वो सबब बने। आइए मेरे साथ इन चारों लोगों को जरा ध्यान से देखें। पहले व्यक्ति की तरफ देखिए
और कल्पना में मेरे साथ चलिए। पहला व्यक्ति हमें कुछ सिखाना चाहता है। क्यों वो इस बीमार को वहां लेकर के आए? क्योंकि उन्होंने उस बीमार पर तरस खाया। बेहतर शब्द है अनुकंपा, कंपैशन। यीशु मसीह के बारे में भी कई स्थानों पर यही लिखा है, यीशु मसीह लोगों को देखते थे, उन पर तरस खाते थे। तरस, कंपैशन, दया से एक बहुत ऊंचा शब्द है कंपैशन। मुझे देखने वाले प्यारे अजीजों, परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार प्रकट हो जाएंगे अगर हम कंपैशन से प्रेरित होकर, अनुकंपा से प्रेरित होकर लोगों के लिए बोझ रखें और लोगों को हम प्रभु के पास लेकर के आए। जब हम लोगों के दुख को देखते हैं और परमेश्वर के नजरिए से उस परिस्थिति को देखते हैं, तब हमारे अंदर अनुकंपा पैदा होती है, तब हम तरस खाते हैं। और ये कंपैशन हमें उनके लिए कुछ करने को विवश करता है। हम अपना समय, हम अपना धन, हम अपनी मेहनत ऐसे लोगों की मदद के लिए लगाने को तैयार हो जाते हैं। जब हम इस तरह के कंपैशन और बोझ से प्रेरित होकर काम करते हैं, तो परमेश्वर वहां अपने चमत्कारों को प्रकट करता है, क्योंकि कंपैशन परमेश्वर के दिल का स्वभाव है। जब परमेश्वर के इस स्वभाव के साथ हमारा दिल मिलता है, तो हमारे अंदर वो कंपैशन पैदा होता है, वो तरस। और परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, चमत्कारों को प्रकट करता है। दूसरे व्यक्ति से हम मिले, दूसरे व्यक्ति को देखकर हम क्या सीख सकते हैं? इस अध्याय की पांचवीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनके विश्वास को देखा। हां, चमत्कार के लिए बहुत जरूरी है विश्वास। इन चारों लोगों के अंदर ऐसा विश्वास था कि अगर हम इस व्यक्ति को यीशु के पास तक पहुंचा देंगे, तो यीशु इस व्यक्ति को चंगा कर देगा। यीशु ने उनके विश्वास को देखकर उस विश्वास का आदर किया। अगर हम परमेश्वर के चमत्कारों को अपनी निजी जीवन के अंदर और सेवा में देखना चाहते हैं, तो हमारे अंदर भी ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। क्या करें इसके लिए? हम प्रभु के पास जाएं और कहें, प्रभु मेरे अंदर विश्वास पैदा कर। तब प्रभु अपने वचन में से, धर्मशास्त्र में से हमसे बातें करेगा और अपनी वाणी के द्वारा हमारे अंदर विश्वास पैदा करेगा। विश्वास हम अपनी निर्णय शक्ति से पैदा नहीं कर सकते। विश्वास हम अपने चाहने के द्वारा पैदा नहीं कर सकते। विश्वास तब पैदा होता है जब परमेश्वर का हमें रेवलेशन, हमें प्रकाशन मिले, जब परमेश्वर अपने बारे में हमें समझाए, अपने पवित्र वाणी में से परमेश्वर हमारी आत्मा में जब बात करे, तब हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है। बड़े चमत्कारों को देखने के लिए हमारे अंदर बड़ा विश्वास होना चाहिए, जैसा इन चारों लोगों के अंदर था। तीसरे व्यक्ति को जब हम देखते हैं, तो इन चारों के कौन से गुण को हम देख सकते हैं? यूनिटी, एकता। इन चारों लोगों ने आपस में तारतम्य के साथ, एक तालमेल के साथ काम किया, एक मन होकर के काम किया। अब एक बिस्तर पर जब एक व्यक्ति लाचार लेटा हुआ है, उस बिस्तर को अगर आपको लेकर आना है, तो चारों लोगों को आपस में तालमेल के साथ काम करना पड़ेगा। उस बिस्तर पर लेटे व्यक्ति को छत पर चढ़ाना है और छत पर से उस बिस्तर पर लेटे लाचार व्यक्ति को नीचे उतारना है, तो आप सोच सकते हैं कितने तालमेल के साथ इन चारों लोगों को काम करना होगा। इन चारों का उद्देश्य एक था, इन चारों का मन एक था। जब हम प्रभु के लोग आपस में एक मन हो जाएं, स्वार्थ की भावनाओं को छोड़ें, मैं की भावनाओं को छोड़ें, मेरा नाम आना चाहिए मैं की भावना को छोड़कर, जब हम परमेश्वर के की महिमा के लिए आपस में एक मन हो जाते हैं, प्रभु के लोग, हम जब एक मन होकर के प्रभु के सामने आते हैं, वहां प्रभु के चमत्कार प्रकट होते हैं। आखिरी बात देखते हैं, चौथे व्यक्ति के पास जाएं तो चौथे व्यक्ति से भी कुछ सीखने को मिलेगा। इन चारों में जो चौथा गुण था, वो था इनका परसेवरेंस, इनका धीरज, परसेवरेंस, देयर डिटर्मिनेशन, उनका दृढ़ निर्णय। वो एक मकसद के साथ आए थे और उस दिन उस मकसद को उन्होंने हासिल किया, जबकि उनके सामने कई रुकावटें आई। जब वो बीमार को लेकर आए थे, निराश हो सकते थे कि अंदर जाने की जगह नहीं है, कोई अंदर जाने नहीं दे रहा, आज शायद ये काम नहीं होगा।
कहीं पर कोई जगह नहीं थी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने बाधाओं के ऊपर उठ करके काम किया। अगर दरवाजे से अंदर यीशु के पास जाने का रास्ता नहीं मिला तो वो बीमार को लेकर छत पर चढ़ गए और उन्होंने छत उधेड़ दी और उसके बाद उस बीमार को वहां उतारा। और आप और मैं समझ सकते हैं कि बीमार तो ठीक होकर घर चला गया, पर जिन्होंने छत उधेड़ी उनको उस छत की दोबारा मरम्मत भी करनी पड़ी। वो डिटरमाइंड थे, धीरज था उनके अंदर, वो बाधाओं को देखकर रुकने को तैयार नहीं हुए, बाधाओं को देखकर रुकने को तैयार नहीं हुए, उनका निश्चय दृढ़ था, धीरज के साथ काम किया, बाधाओं के ऊपर जयवंत हुए। परमेश्वर ने इन चारों बातों को जब देखा तो वहां पर ऐसी महिमा प्रकट की कि देखने वाले लोग कहने लगे, हमने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा है। आज जब हम जो प्रभु के लोग हैं एक मन के साथ बढ़ेंगे, धीरज के साथ बढ़ेंगे, हिम्मत हारे बिना आगे बढ़ेंगे, हम जब तरस में आगे बढ़ेंगे और सबसे बढ़कर मजबूत विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही चमत्कार फिर से हमारी सेवाओं में, हमारी कलीसियाओं में और हमारे जीवन में प्रकट होंगे। प्रभु हमारी मदद करें कि हम इन वचनों के द्वारा ऐसे चमत्कारों के लिए तैयार हो सकें। एक और बार, फिर एक बार यीशु तू हमको छू, एक और बार मांगते यही हम बारंबार, यीशु तू हमको छू एक और बार फिर एक बार यीशु तू हमको छू एक और बार। साथ साथ चल, बाहों में धर, बागे अदन जैसे बातें तू कर, साथ साथ चल, बाहों में धर, बागे अदन जैसे बातें तू कर, प्यासे हैं हम तू प्यास बुझा, बेदारी अभेज करते दुआ, प्यासे हैं हम तू प्यास बुझा, बेदारी अभेज करते दुआ, एक और बार फिर एक बार यीशु तू हमको छू एक और बार। कानूर बन हम सके, यीशु के जैसे चल हम सके, दुनिया कानूर बन हम सके, यीशु के जैसे चल हम सके, पाखम बने कुछ ऐसा तू कर, जयवंत रहे उस इबलीस पर, पाखम बने कुछ ऐसा तू कर, जयवंत रहे उस इबलीस पर, एक और बार फिर एक बार यीशु तू हमको छू एक और बार। अंधों को छू, लंगड़ों को छू, बहरों को छू, गूंगों को छू, अंधों को छू, लंगड़ों को छू, बहरों को छू और गूंगों को छू, बंधन को तोड़ कर दे रिहा, रोगी को छू और दे दे शिफा, बंधन को तोड़ कर दे रिहा, रोगी को छू और दे दे शिफा, एक और बार फिर एक बार यीशु तू हमको छू एक और बार, मांगते यही हम
बारंबार ईशु तू हमको छू एक और बार। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मीनू है। मैं पिछले 4 साल से सिफाले कलीसिया से जुड़ी हूँ। मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते। मैं अपने 3 बच्चों के साथ, 2 बेटे 1 बेटी के साथ दिल्ली पालम इलाके में मैं रहती हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था और हम प्रभु में भी आगे बढ़ रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था और इसी 2014 1 फरवरी को मेरे जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। मेरा छोटा बेटा जो 16 साल का और 10th क्लास में पढ़ता था, मेरे दोनों बच्चे, मैंने बेटा और बेटी को जब सुबह स्कूल भेजा तो शाम हुई तो बेटी तो वापस आई मगर बेटा मेरा वापस नहीं आया और मेरी चिंता बहुत बढ़ गई और चिंता से मैं इधर उधर और ढूंढने लगी कि क्यों नहीं मेरा बेटा अभी तक वापस आया है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक फोन आया और उस फोन में उस बेटे ने बताया कि तुम्हारे बेटे को बहुत ज्यादा करंट लग गया और वो इस समय हॉस्पिटल में है। और मैं घबरा गई और एकदम से और मेरी बेचैनी बढ़ गई। मैं फिर से इधर उधर ढूंढने लगी, पूछने लगी। मुझे पूछने के दौरान मुझे कुछ भी ठीक से पता नहीं चला कि मेरा बेटा कहाँ है, कौन सी हालत में है। लेकिन उसी समय मेरे चर्च के लोग, प्रभु के दास सभी घर पे आए और तुरंत बेटे को देखने के लिए चले गए। हॉस्पिटलों में देखा, बहुत जगह ढूंढा, लेकिन कोई उनको भी पता नहीं चला। किसी कारण उनको भी एक सूचना मिली कि इस समय नाराणा में एक बच्चे को करंट लग गया है। तो उसी समय नाराणा पहुंचे, तब उन्होंने वहां की स्थिति को देखा कि रेलवे लाइन की हाई टेंशन वायर से, वायर की चपेट में आके उसकी तुरंत, मेरे बेटे की उसी समय मृत्यु हो गई। लेकिन सब उन मेरे सिफाले कलेसे के सबको पता था और पता करने के बाद तब सारे लोग मेरे घर में आए। तब मैं उनसे पूछने लगी कि मेरा बेटा कहाँ है और कौन सी जगह है और कौन से हॉस्पिटल में, मुझे क्यों नहीं अपने बेटे से मिलाने के लिए लेके, मुझे भी लेके जाओ, मैं भी अपने बेटे को देखूंगी। लेकिन उस समय किसी ने भी उस समय मुझे जवाब नहीं दिया। मैं फिर से पूछने लगी, मुझे बताओ क्या बात है। लेकिन बहुत देर बाद रात को 11 बजे पास्टर शिबु ने मुझे बताया कि सिस्टर, अब आपका बेटा कभी लौट के वापस नहीं आएगा। और ये शब्द सुन के जैसे मेरे शरीर से प्राण छूट गए और एक मैं पागलों के जैसी हो गई। इधर उधर ऐसे ढूंढने लगी कि अभी मेरा बेटा वापस आ जाएगा। लेकिन उस शब्द को सुन के मेरी जीने की एक आस खत्म हो गई। मैं बिल्कुल भी जीना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं अपने बेटे बच्चों का ही मुंह देख के अब तक जी रही थी। अब मेरा जीना नामुमकिन है और बहुत मुश्किल है। लेकिन अद्भुत परमेश्वर का चमत्कार उसी समय मेरे जीवन में हुआ कि परमेश्वर के दास और कलीसिया से बहुत लोग आने लगे और प्रभु का शुभ समाचार और सभाएं मेरे घर में करने लगे। उन सभाओं के द्वारा और उस वचन के द्वारा जो मुझे हिम्मत मिली, धीरे धीरे मुझे वचनों के द्वारा जो मुझे हिम्मत मिली और तसल्ली मिली और मैंने प्यारे प्रभु की शांति को पाया। शांति को पाके मैं और आगे बढ़ी और बढ़ने लगी और परमेश्वर का वचन मुझे हर दिन बात करता था कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ये प्रभु का वचन हर समय मुझे हियाव देता रहा, हिम्मत देता रहा और उसी हिम्मत को मैं पाते हुए आगे बढ़ती रही। और उस दुख सहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ था। और जो सुनने वाले भाई बहन है उन सबको मैं अपनी गवाही से यही बताना चाहती हूँ, जो दुख में है और परेशानियों में है वो परमेश्वर यीशु पे भरोसा रखे क्योंकि वो ही दुख से और परेशानियों से हमें छुटकारा दे सकता है। आप सबको आशीष देवे, धन्यवाद। हमारा पता है शिफाले चर्च, RZ8M, गली नंबर 4, इंदिरा पार्क, कैलाशपुरी चौक के समीप, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली 110045।